space summoned. ये पाउच बनाने के लिए हमें 5 इंच बाय 9 इंच के दो फैब्रिक के पीसेस, पाँच इंच बाय 9 इंच के चार लाइनिंग के पीसेस, सात इंच बाय 5 इंच के दो फैब्रिक के पीसेस, एक प्लेन फैब्रिक है और एक प्रिंटेड फैब्रिक है 7 इंच बाय 5 इंच का। पाँच इंच बाय 7 इंच के दो लाइनिंग के पीसेस, 4 इंच बाय 4 इंच का एक फैब्रिक पीस और एक लाइनिंग पीस। तेरह इंच बाय 3 इंच का एक फैब्रिक पीस। नौ इंच के दो जीपर्स, दो रनर्स, एक मैग्नेटिक बटन, ये मैंने बैग का ही मटेरियल लिया है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा वाला मटेरियल नहीं है तो आप कोई भी थिक कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, पर्दे का कपड़ा, नहीं तो जाड़ा बेडशीट रहेगा तो। लेकिन अगर आप क्विल्टिंग करना चाहते हैं, कॉटन का आपके पास फैब्रिक है, तो आपको 3 mm का स्पंज लगाना पड़ेगा। तो जिप लगाने के बाद फोल्ड करते तो आसानी होगी, ईजी फोल्ड हो जाएगा। 4 इंच बाय 4 इंच का एक फैब्रिक पीस और 4 इंच बाय 4 इंच का एक लाइनिंग पीस। ये लाइनिंग के ऊपर हमें सेंटर फोल्ड करना है और हमें एक साइड से 1/4 इंच पे मार्क करना है, 2 इंच से 1/4 इंच कम। और हमें ये मैग्नेटिक बटन जोड़ना है। हम बटन की ये साइड जोड़ेंगे, ये इस तरह से एक कपड़ा में बैक साइड में सपोर्ट के लिए लगाना है। इसके लिए हम मार्किंग करके लेंगे और यहाँ पे हमें स्मॉल कट करना है। और इस तरह से हमें बटन जोड़ना है। ये बटन लगाने के बाद ये उसकी सीधी साइड, हम दोनों सीधी साइड एक के ऊपर एक रखना है। और तीन साइड से हमें सिलाई करके लेना है।
इस तरह से तीनों साइड से सिलाई होने के बाद ये दो कॉर्नर्स हमें कट करना है। सिलाई कट नहीं होनी चाहिए और यहाँ से हमें टर्न करना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर प्रेस्टीज करके लेना है। ये प्रेस्टीज होने के बाद हमें ये 13 इंच बाय 3 इंच का ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर हमें प्रेस करके लेना है। ये जो फोल्ड किया है वैसा ही हमें प्रेस करना है। और यहाँ से हम 2 इंच जितना कट करेंगे। और ये 2 इंच के ऊपर हमें दोनों साइड से सिलाई करके लेना है। के बाद हमें 5 इंच बाय 9 इंच का ये फैब्रिक का पीस, ये 5 इंच है, उसकी साइड में हमें ये बटन वाला पार्ट है, ये दोनों साइड से सेम डिस्टेंस हमें छोड़ना है और उसके ऊपर सिलाई करके लेना है। ये पार्ट जॉइंट होने के बाद हमें ये जो हुक है ये हुक लेके ये 2 इंच की जो स्ट्रिप बनाई थी उसके अंदर हमें डालना है और इसके सेंटर में हमें जोड़ना है। ये जॉइंट होने के बाद हमें ये जो 7 इंच बाय 5 इंच के दो फैब्रिक के पीसेस लिए थे उसमें से ये जो प्लेन पीस है ये हम यहाँ से हमें ऐसे हमें रखना है। और ये बटन की दूसरी साइड जोड़ने के लिए मार्किंग करके लेना है। और ये बटन की दूसरी साइड हम जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी ये बटन की दूसरी साइड जॉइंट हो गई। अभी हमें 5 इंच बाय 7 इंच का ये जो लाइनिंग का पीस है ये हम इस तरह से रखना है और सिलाई करना है। ये सिलाई होने के बाद ये लाइनिंग का पीस हमें अंदर की तरफ करना है और उसके ऊपर प्रेस्टीज करके लेना है। इस तरह से प्रेस्टीज होने के बाद तीनों साइड से सिलाई करके लेना है और ये पार्ट हम यहाँ पर ऐसे रखना है और ऐसे 3 साइड से हमें जॉइन करना है। इस तरह से ये एक पॉकेट हो गया। अभी हमें 7 इंच बाय 5 इंच का ये जो फैब्रिक का पीस है और ये लाइनिंग का पीस है ये हम एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई करके लेंगे और फिर उसको अंदर की तरफ करके उसके ऊपर प्रेस्टीज करके लेना है। ये प्रेस्टीज होने के बाद हमें ये 5 इंच बाय 9 इंच का दूसरा फैब्रिक का पीस है इसके ऊपर हमें इस तरह से जोड़ना है और 3 साइड से सिलाई करके लेना है। ऐसे ही हमारी 2 पॉकेट्स रेडी हो गई। अभी हमें 9 इंच के ये 2 ज़िपर्स हैं उसमें से हमें एक लेना है और ये जो पार्ट है इसकी सीधी साइड और ज़िप की सीधी साइड एक के ऊपर एक रख के उसके ऊपर हमें सिलाई करके लेना है। इस तरह से सिलाई होने के बाद हमें ये 5 इंच बाय 9 इंच के 4 लाइनिंग के पीसेस लिए थे उसमें से हमें एक लेना है। ये लाइनिंग के लिए मैंने नॉन ओवन यूज़ किया है। ये हम ज़िप के ये बैक साइड में रखेंगे
और उसके ऊपर सिलाई करेंगे। सिलाई हम यहाँ से करेंगे तो ये सिलाई का मार्किंग हमें दिखेगा। ऐसे सिलाई होने के बाद लाइनिंग अंदर की तरफ करना है और उसके ऊपर हमें प्रेस्टीज करके लेना है। ये प्रेस्टीज हम यहाँ पे करेंगे, नीचे नहीं करना है। इस तरह से ये प्रेस्टीज करके हो गया। ये मैंने बैग का ही मटेरियल लिया है, लेकिन अगर आप क्विल्टेड पीस लेना चाहते हैं तो आपको 3 mm का स्पंज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जिप लगा के ये फोल्ड करते हैं तो ये इजी हो जाएगा, नहीं तो जाड़ा रहेगा तो यहाँ पर मोटा हो जाता है। इसके बाद हमें ये जो पॉकेट की साइड है और ये जो पॉकेट की साइड है, ये हमें एक ही साइड में रखना है और यहाँ पे हमें जिप की दूसरी साइड जोड़ना है। इस तरह से ये सिलाई होने के बाद हमें जिप के बैक साइड में हमें 5 इंच बाय 9 इंच का दूसरा लाइनिंग का पीस जोड़ना है। इस तरह से ये लाइनिंग अटैच होने के बाद हमें इसके ऊपर की साइड में प्रेस्टीज करके लेना है। ये प्रेस्टीज होने के बाद हमें ये जो पॉकेट वाली साइड है, इसके अपोजिट साइड में हमें यहाँ से रनर डालना है। यहाँ से रनर डाल के दोनों साइड लॉक करके लेना है। ये सिर्फ जिप के ऊपर ही हमें सिलाई करके लेना है। इस तरह से जिप के दोनों साइड में लॉक करके लेना है। ये 9 इंच की दूसरी जिप हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ये सीधी साइड, ये फैब्रिक के ऊपर हमें रखना है और इसके ऊपर सिलाई करके लेना है। इस तरह से सिलाई होने के बाद हमें 5 इंच बाय 9 इंच का तीसरा लाइनिंग का पीस हमें इसके बैक साइड में जोड़ना है। ये लाइनिंग जॉइंट होने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस्टीज करके लेंगे। इस तरह से हमें प्रेस्टीज करके लेना है और इसके बाद हमें ये दूसरी साइड जोड़ना है जिप की दूसरी साइड में और उसके ऊपर सिलाई करके लेना है। ये जॉइंट होने के बाद हमें ये चौथा लाइनिंग का पीस है 5 इंच बाय 9 इंच का, वो ये जिप के बैक साइड में जोड़ना है। ये लाइनिंग जॉइंट होने के बाद हम ये लाइनिंग ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे और ये जिप हम सेपरेट करेंगे और इसके ऊपर हमें प्रेस्टीज करके लेना है। इस तरह से हमें प्रेस्टीज करके लेना है और हम बैक को ऐसे करेंगे और ये पहला रनर हमने जहाँ से डाला है वो साइड से ही हमें दूसरा रनर डालना है। यहाँ से रनर डाल के हमें एक बार निकालना है और फिर से रनर हमें यहाँ से डालना है। इस तरह से हमें रनर डालना है और ये दोनों साइड से हमें सिलाई करके लेना है क्योंकि ये रनर बाहर ना आए। हमें सिर्फ जिप के ऊपर ही सिलाई करना है ये जिप लॉक होने के लिए। इस तरह से दोनों साइड सिलाई करके जिप लॉक किया। अभी हमें ये बैग को उल्टा करना है। ये बैग उल्टा करने के बाद हमें ये दो लाइनिंग के पीस ऊपर की तरफ और दो लाइनिंग के पीस नीचे की तरफ हमें रखना है और ये जिप हमें लाइनिंग की साइड में रखना है।
वैसे ही हमें चारों साइड से करके लेना है। जिप हम नीचे की तरफ रखेंगे और ये तीन साइड से हम सिलाई करके लेंगे, इतना स्पेस हमें छोड़ना है। इस तरह से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अभी हम यहाँ से ये जिप ओपन करना है और बैक बाहर निकालना है। इस तरह से हमें बैक को बाहर निकाल के ये जो ओपन स्पेस था ये हमें एक फोल्ड करके उसके ऊपर प्रेस्टीज करके लेना है। इस तरह से प्रेस्टीज होने के बाद हमें ये पॉकेट्स अंदर डालना है दोनों साइड से। इस तरह से हमारी ये बैग हो गई। अभी हमें ये 13 इंच बाय 3 इंच का ये जो फैब्रिक का पीस है, 2 इंच हमने कट किया था, ये बाकी का जो पार्ट है इसका हम हैंडल बनाएंगे, ये हमें इसके अंदर डालना है। और फिर हम यहाँ से ओपन करके ये दोनों साइड हमें जॉइन करके लेना है। इस तरह से सिलाई होने के बाद हमें इसको उल्टा करना है और जो मार्किंग किया था फोल्ड का उसके ऊपर हमें वैसे ही फोल्ड करना है और दोनों साइड से हमें सिलाई करके लेना है। इस तरह से हमें सिलाई करना है। ऐसे ही हम दूसरी साइड में सिलाई करके लेंगे। ये सिलाई होने के बाद हम ये जो जॉइंट किया था वो हम यहाँ पर हमें रखना है और ये लॉक करके लेना है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हमारे नए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।